हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अब तक हेल्दी पर। दोस्तों, आज के टाइम पे पेरेंट्स होना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखना दोस्तों खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे मोस्टली दोनों ही पेरेंट वर्किंग होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। और दोस्तों, इसी वजह से बच्चों के अंदर न्यूट्रिएंट्स यानी कि मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा कमी होने लगी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का बच्चों को सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, फिर उन्हीं चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स पे जाने लगते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स पर। और दोस्तों, ये चीज सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, ये आज के टाइम पे बड़े और बूढ़ों में भी ये चीज देखी जाती है। यानी कि आज के टाइम पे खान पान और लाइफ स्टाइल की वजह से हम लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने लगी है, जिसकी वजह से हम लोगों को भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको खाने की वजह से ना तो कभी आपके बच्चों में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी और ना ही किसी बड़े या बूढ़े के अंदर। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और प्लीज एग्जिट करने की कोशिश नहीं करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर ताज, आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल अब तक हेल्दी। दोस्तों, आज के टाइम में हम लोगों का शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी है कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, बच्चों के साथ भी एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम बच्चों को नॉर्मल चीजें ही खिलाते रहते हैं, या फिर जो भी ऑनलाइन दिख जाए दोस्तों, या फिर कोई मार्केट में नई गमीज की शक्ल में दवाई आ जाए, या कोई मल्टीविटामिन ही क्यों ना आ जाए, तो हम वो ही बच्चों को देने लगते हैं, जो कि दोस्तों एक टाइम के बाद बच्चों को या बड़े बूढ़ों को नुकसान देने लगती है। इसके साथ साथ दोस्तों, बच्चे भी आज के टाइम में इतने ज्यादा चूजी हो गए हैं कि वो अपनी पसंद की चीजें ही खाना पसंद करते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम में बच्चों को खाना खिलाना, वो भी पेट भर के दोस्तों, एक बहुत बड़ा टास्क है किसी भी पेरेंट के लिए। और इसीलिए दोस्तों, आज के पेरेंट्स जो है वो इतने सारे जतन करते हैं क्योंकि बच्चा जो है वो पेट भरकर खाना खा ले। और दोस्तों, इसके पीछे मोटिव सिर इतना रहता है कि किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल कमी ना आ जाए। और आपके इतने बिजी शेड्यूल को देखते हुए ही मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ जो आप बहुत आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं, और उसको आप तो खा ही सकते हैं, इसके साथ साथ बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो आपने ड्राई फ्रूट्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर कितने फायदे होते हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितने मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा दोस्तों, आपने शहद के बारे में भी डेफिनेटली सुना होगा कि शहद के अंदर कितने ज्यादा फायदे होते हैं। दोस्तों, सोच के देखिए, अगर हम इन दोनों चीजों को आपस में मिला दें तो दोस्तों, अगर इनको आपस में मिला दिया जाए तो एक ऐसा मिक्सचर बनेगा जो कि आपके और आपके बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट मिक्सचर कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू तो हाई रहेगी रहेगी दोस्तों। इसके अलावा इसके बहुत सारे फायदे भी रहेंगे। ड्राई फ्रूट्स में दोस्तों, आप बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, काजू है, किशमिश है, खजूर है। इसके अलावा दोस्तों, आप अंजीर भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक कटोरी में आप शहद लीजिए, उसके बाद इन सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा कूटकर उस शहद में डाल दीजिए, और पूरी रात रखने के बाद दोस्तों, अगले दिन से ही इसको खाना और खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस मिक्सचर को खाने की वजह से आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है दोस्तों, आपके एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि शहद के अंदर नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके एनर्जी बूस्ट करने का काम करते हैं। और अगर आप इसको रेगुलर बेस पे खाने लगेंगे तो आपके अंदर एनर्जी की कमी होगी ही नहीं। इसके साथ साथ आपको कभी भी किसी एनर्जी बूस्टर को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये आपके डाइजेशन यानी कि हाजमे को भी बहुत अच्छा रखेगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉवल मूवमेंट्स को परफेक्ट रखते हैं, जिसकी वजह से आपका हाजमा एकदम अच्छा रहता है और आपको कभी भी कब्ज या कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत नहीं होती। इसके साथ साथ शहद खुद में एक प्रीबायोटिक है दोस्तों, जो कि आपके गट के अच्छे बैक्टीरियाज को हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपका हाजमा हमेशा ही अच्छा रहता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके दिल की कंडीशन को भी एकदम फिट रखता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि बादाम और अखरोट, दोस्तों इनके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो कि एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को दोस्तों आपकी बॉडी में कम करता है, और एसडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी दिल की कंडीशन बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और शहद दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो दोस्तों ये आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल से लड़ाई करते हैं, जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ शहद खुद में एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, जिससे आपकी बॉडी इन्फेक्शन से ज्यादा टाइम तक लड़ पाती है और आपको
कम बीमारियां लगती हैं, जिसकी वजह से भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहती है। इसके अलावा दोस्तों आपकी स्किन को भी बहुत परफेक्ट रखता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ साथ कई सारे विटामिन होने की वजह से भी आपकी स्किन एकदम परफेक्ट रहती है, और एंटी एजिंग यानी कि बुढ़ापे की निशानी आपके चेहरे पे बहुत देर में दिखाई देती है, और इनके चलते आपको दोस्तों एक बहुत हेल्दी स्किन मिलती है। इसके साथ दोस्तों शहद जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का भी काम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में मॉइस्चर जितना जरूरी होता है उतना हमेशा बरकरार रहता है। यही नहीं दोस्तों, ये आपकी बॉडी में एक तरह से वेट मैनेजमेंट का भी काम करता है, क्योंकि जब भी आप इसको खाते हैं तो शहद के अंदर जो नेचुरल शुगर होता है वो आपको फुलनेस जैसी फील देता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे आपका पेट भरा भरा है, जिसकी वजह से आप ज्यादा खाना खाते नहीं है और आपकी बॉडी एकदम फिट रहने लगती है। और इसके अलावा दोस्तों जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं और शहद है दोस्तों, वो आपकी बॉडी को ऐसे न्यूट्रिएंट्स देता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो हमेशा फास्ट चलता रहता है, जिसकी वजह से फैट डिपॉजिट नहीं होता है और एक तरह से वेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे वो फायदे थे जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए थे, जिसकी वजह से आप आज ही इस मिक्सचर को बनाएं और कल से ही अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाना स्टार्ट करें। दोस्तों आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स और दवाइयों से प्लीज अपने बच्चों को और अपने फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा दूर रखें, और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ इसको कल से ही खिलाना स्टार्ट करें। लेकिन आपके घर में कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो अपने न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डॉक्टर से पूछकर ही उनको ये वाला मिक्सचर स्टार्ट कराएं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कोई अच्छी सी लेकर आऊंगा आपके सामने, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।